हेलो माय लवली व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रेसिपी में हम फिश फ्राई देखने वाले हैं। ये कौन सी फिश है? ये है रेड स्नैपर। ये फिश खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। तो ये फिश है रेड स्नैपर, इसे हम गोवा में कोंकणी लैंग्वेज में तामसो कहते हैं, तामसो तामशे, बट आपकी लोकल लैंग्वेज में इसे क्या कहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इसे ऐसे स्लाइसिस में कट करते हैं, गोल राउंड शेप में नहीं कट करते, इसे स्लाइसिस में कट करते हैं। तो इसकी विधि देखते हैं। हमें ग्रीन मसाले की ज़रूरत पड़ेगी, ग्रीन पेस्ट की। तो इस ग्रीन पेस्ट में धनिया, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन, इन सभी चीज़ों को मिक्सर में अच्छे से पीस लें और बारीक पेस्ट करके रख लें। इसे आप स्टोर भी कर सकते हो। फ्राई के मसाले में हमें चाहिए 1 टीस्पून ग्रीन पेस्ट, साथ में हमें चाहिए 1/2 टीस्पून नमक, साथ ही में चाहिए 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून मिर्ची पाउडर। इसे अच्छे से मिला लें। 1/2 नींबू का रस निचोड़ लें। सभी चीज़ों को, सभी मसालों को अच्छे से मिक्स करके इस फिश पर लगा लें। बारी बारी से वन बाय वन हर एक फिश को इस मसाले में कोट कर लें, अच्छे से रब कर लें इस मसाले को सभी फिश के पीसेस पर। इस फिश फ्राई की बाहरी कोटिंग के लिए हमें एक मिक्सचर रेडी करना है। उसके लिए हमें चाहिए 1 बड़ा चम्मच चावल का आटा, 1 बड़ा चम्मच सूजी या रवा, 1/2 छोटा चम्मच नमक, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इन मसालों को रवा और चावल के आटे के साथ अच्छी तरह मिला लें, मिक्स कर लें और हर एक फिश के पीसेस को इस कोटिंग में वन बाय वन डिप कर लें। हर एक फिश को इस कोटिंग से अच्छे से डिप करा दें। अब फिश फ्राई करने के लिए एक पैन में 2 चम्मच तेल गरम कर लें और फिश के पीसेस को सावधानी से वन बाय वन पैन में फ्राई करने के लिए डाल दें। तेल गरम है सो सावधानी से कर लें। अब एक साइड फिश फ्राई हो जाने के बाद दूसरी साइड पलट लें और दोनों साइड से अच्छी तरह फ्राई कर लें। ये फिश बहुत सॉफ्ट होती है सो जल्दी फ्राई हो जाती है। फिश फ्राई में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जल्दी से हो जाते हैं। तो देखिए ये फिश फ्राई रेडी है और खाने में एकदम मज़ेदार लगती है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। जल्दी मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।